नोटना जो इनसे इन साइड में देख नोट सर, एक बाइट दे दो ना सर। क्यों सर दे छोटा सा ही है सर, ऊपर से सर यही मगर सब दे देते हैं सर बाइट। बॉडी लेके गए क्या? बॉडी लेके गए? ठीक है कब लेके गए? कब लेके गए? अभी या थोड़ी देर पहले? डाउन करो ऑफिसर्स और मैं खुद गए थे, हमने FSL से और डॉग स्पॉट से पूरे मौके का मुआयना कराया था। डेड बॉडी की पहचान के लिए उसे बकायदा SOP के हिसाब से मॉर्चरी रूम में रखा गया था। डेड बॉडी की पहचान जब नहीं हो पाई SOP के हिसाब से 72 घंटे में, तो वीडियोग्राफिक बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया और उस बोर्ड में सभी तरीके के डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान भी हम सभी वहाँ मौजूद रहे। इतने हीनियस क्राइम को देखते हुए तुरंत SIT का गठन किया गया। SIT जो लीड कर रहे थे एडिशनल SP सिटी दीपक जी और IPS रमेश जी, उनके साथ साथ सभी थाना अधिकारी सिटी के इसमें इन्वॉल्व किया गया, DST को इन्वॉल्व किया गया, हमारी साइबर टीम को इन्वॉल्व किया गया। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के ज़िलों से देखी थी उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका हमारे हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज की रही है। इसी के साथ साथ हमारी DST इंचार्ज कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम और साइबर की भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। पूरी कहानी ये निकल के आई कि जोधपुर निवासी विकास मान जो मेन आरोपी है और उसकी लिव इन पार्टनर संगीता, इन दोनों के साथ मृतका जिसकी पहचान मुस्कान नाम की एक महिला के रूप में हुई है वो इनके साथ रहा करती थी। मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी और वो नहीं चाहती थी कि विकास उसके साथ लिव इन पार्टनर में रहे और वो इसका विरोध करती थी। तो लंबे समय से विकास इसको टारगेट कर रहा था और इससे इरिटेटेड था। तो
अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे, उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी, और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका, और जिसका उसका सर और हाथ काटे जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि ये मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक पांच बत्ती सिटी में एक नाला है उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। ये सारी जो घटनाक्रम है ये हेतराम हेड कांस्टेबल के मुखबिर तंत्र से और स्पेशल मेहनत से, जो वहाँ को हम पूरी डीएसटी टीम काम कर रही थी उससे पता चली। एक संदिग्ध गाड़ी की पहले पहचान हुई और उस गाड़ी की पहचान करते करते आरोपी तक पहुँचे। आरोपी, दोनों आरोपी, मेन आरोपी जिसने हाथ पांव काटे हैं और मर्डर किया, और उसके सहयोगी विकास मान और संगीता को अरेस्ट किया जा चुका है। आज जोधपुर पुलिस और नगर निगम जोधपुर की मदद से जो लाश का कटा हुआ सर और हाथ है उनको भी उस नाले से बरामद किया गया है आरोपी की निशानदेही पर, और अब आगे की जो साइंटिफिक प्रक्रिया है उसको भी इसमें इंक्लूड करके उस बॉडी पार्ट्स का भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और अभी ये दोनों हमारे पास न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस कस्टडी में हैं, रिमांड पे हैं, और इनसे आगे भी अनुसंधान अभी क्लियर किया जाएगा।